नमस्कार, मैं मनोज पुरोहित। प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी हमारे मित्र गोविंद उपाध्याय इनके रिक्वेस्ट पे। ये कहानी मुझे एक कहानी सुंदर सी नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी एक बार पढ़ने को मिली थी। एक कौवा अपने दोनों पंजों में मांस का टुकड़ा लिए हवा में उड़ रहा था। वो जैसे हवा में उड़ने को उसने शुरुआत की, उसने देखा कि कुछ दूसरे कौवे उसके उस मांस के टुकड़े को झपटने के लिए उसकी ओर उड़ पड़े। वो घबरा गया, उसने और ऊंचाई पर जाने की कोशिश की। वो और ऊंचाई पर गया, और ऊंचाई पर गया। अब जिस ऊंचाई पे वो गया, उस ऊंचाई पे दूसरे कौवे आने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसकी नजर एक चील पे पड़ी जो उसकी ओर आ रही थी। यानी जब उसने एक परेशानी से छूटने का निश्चय किया, उसके सामने दूसरी परेशानी थी कि एक चील उसकी ओर उड़ के आ रही थी। वो घबरा गया, कौओं को तो मैं हरा सकता हूं जो मेरे बरोबर के हैं, लेकिन क्या मैं इस चील को हरा सकता हूं? उसने और ऊंचाई प्राप्त की, और ऊंचाई प्राप्त की, लेकिन अब उसके आंख में चील के द्वारा मारे जाने का डर नजर आने लगा। तभी वहां से गुजरते हुए एक गरुड़ ने यह दृश्य देखा। गरुड़ उसके करीब आया। गरुड़ ने उससे पूछा कि क्यों घबरा रहे हो? तो उन्होंने कहा, देखो ना, वो चील मुझे मारेगी और मेरे मांस के टुकड़े को भी खा लेगी। गरुड़ ने उसकी तरफ देखा, एक अश्वस्त नजर की तरफ देखकर गरुड़ ने उससे कहा, अपने पास का मांस का टुकड़ा छोड़ दो। गरुड़ की वो बात सुन के कौवे को विश्वास हुआ। उसने अपने दोनों पंजों को रिलीज किया, दोनों पंजों को ढीला छोड़ा और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। जैसे ही वो मांस का टुकड़ा नीचे जाने लगा, कौवे ने देखा कि सारे कौवे और वो चील भी उस मांस के टुकड़े की ओर लपक पड़े। तब कौवे के समझ में आया कि अब वो उस लेवल पर भी, उस ऊंचाई पे भी मुक्त, खुले मन से, निश्चिंतता से, बगैर डरे उड़ सकता है। तब गरुड़ ने कहा कि दर्द और डर हमारे मन में तब तक बांधे रहते हैं जब तक हम उन्हें अपने आप से बांध कर रखना चाहते हैं। इस छोटे से प्रसंग का और एक अर्थ भी है। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि अहंकार स्वरूप मांस का टुकड़ा हमारे व्यक्तित्व को बोझ के तले दबाते रहता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई हाई, गिव अप एवरीथिंग दैट वेज यू डाउन। अगर आप ऊंचाई पे उड़ान भरना चाहते हो तो हर एक उस चीज को जो आपको वजन करती है, जो आपके भीतर एक वजन पैदा करती है, उनको छोड़ने को शुरू करो। गरुड़ ने कौवे से क्या कहा? जस्ट ड्रॉप द फ्लैश। गरुड़ ने कौवे से कहा कि जिस मांस के टुकड़े को तुम लेकर उड़ रहे हो, बस उसको छोड़ दो, जादू देखो। हमारे जीवन में भी अहंकार नाम की जो चीज है, वो हमें अक्सर ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करने की बजाय नीचे खींचती है। हम में से कई लोग अहंकार नाम के विशाल बोझ के नीचे दबे रहते हैं। ये अहंकार हो सकता है कि कई व्यक्तियों में एक झूठी पहचान बना है। मुझे किसी ने आमंत्रित करना चाहिए, मुझे किसी ने इनवाइट करना चाहिए, मुझे किसी ने मान देना चाहिए, मेरा किसी ने सम्मान करना चाहिए, मुझे मंच पर बुलाना चाहिए। ये सारे वो प्रसंग हैं जहां पे हमारा अहंकार उस मांस के टुकड़े की तरह काम करता है। कई बार जब हम लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, दूसरों से हमारी तुलना करते हुए जब जब हमारे मन में यह विचार आता है कि उसके पास फलानी चीज है, मेरे पास नहीं है, उसके पास समृद्धि है, मेरे पास नहीं है, उसके पास वेल्थ है, मेरे पास नहीं है, या उसके पास प्रतिभा है, मेरे पास नहीं है, या उसके पास एक एबिलिटी है जो मेरे पास नहीं है, ऐसे जब जब हम लोग तुलनाएं करते हैं, जाने अनजाने में हम उस अहंकार के बोझ के नीचे दबे चले जाते हैं। हम में से कई लोग उस मांस के टुकड़े को लेकर हवा में उड़ रहे हैं। हमारी क्षमताएं और ऊंचाइयों पे जाने की है, जरूरत है उस अहंकार नाम के मांस के बोझ को छोड़कर मुक्त होने की, ऊंचाइयों को छूने की। आपको ये कहानी, इसका मोरल कैसे लगा, आपके प्रतिक्रियाओं का, आपके कमेंट्स का, आपके स्टोरीज का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।